सामाजिक रचनात्मक और देश प्रेम को समर्पित आपकी आवाज राष्ट्रीय संगठन के तत्वाधान में क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर एक पौधा आजाद के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पिछौर SD MJP गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद SDM साहब ने संगठन के युवाओं के साथ खनियाधाना में स्थित चंद्रशेखर आजाद की कर्मभूमि सीतापाठम में किस पौधा अंकुर अभियान के तहत लगाया और उसको संरक्षित करने का संकल्प युवाओं के साथ लिया। युवाओं से एवं नगरवासियों से अनुरोध किया सभी मिलकर पौधारोपण करें जिससे आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक और स्वच्छ माहौल प्राप्त हो सके। इस अवसर पर खनियाधाना CMO हरिराम यादव, खनियाधाना तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर अपनी पूरी टीम के साथ एवं युवा आगाज आपकी आवाज संगठन के अनेक सेवादार उपस्थित रहे। वैसे आज आपका क्या कार्यक्रम रहा है और किसके सौजन्य से ये कार्यक्रम रखा गया है? ये आज चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर हमारे आपकी आवाज़ युवा आगाज हमारे साकेत जी के उसमें नेतृत्व में एक प्लानिंग की गई थी कि हम आज़ाद जी का जन्म जयंती सीतापाटा मंदिर खनियाधाना पर जाके वृक्षारोपण करेंगे और उनकी जयंती मनाएंगे। सर, चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पे आज सीतापाठा मंदिर पर आपकी आवाज़ का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म जयंती पर सबसे पहले तो मैं उनको नमन करना चाहूँगा कि जिनके पवित्र बलिदान के फलस्वरूप आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं। दूसरा, पवित्र वृक्षारोपण के माध्यम से भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमने कोरोना काल में देखा था ऑक्सीजन की कमी आई थी। आज आपका जो आपकी आवाज़ का कार्यक्रम था, इसमें आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक पौधा आज़ाद के नाम से आज आपकी आवाज़ द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर हमने कार्यक्रम रखा था और सभी युवाओं से हम लोगों ने आह्वान किया था कि आज़ाद के नाम एक पौधा श्रद्धांजलि के रूप में लगाएं ताकि विगत समय में जो हमने ऑक्सीजन की कमी जो सब लोगों ने देखी, जो महामारी के समय कोरोना के समय जो हम लोगों एक महामारी से जूझे, इससे सभी लोगों को समझ में आया कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है।